नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। कथित वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन को पार्टी से निकाला। जोधपुर के राजीव नगर थाने में एक विवाहिता ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए दुष्कर्म का आरोप लगाया है और दो अश्लील वीडियो का जिक्र किया था। विधानसभा चुनाव में भी यह मामला जोरों शोरों से उछाला गया। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन का कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शनिवार देर रात कांग्रेस ने उन्हें पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया। भाजपा ने वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी के साथ भी मेवाराम जैन के फोटो वायरल किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है। बीते दिनों जोधपुर के राजीव नगर थाने में एक विवाहिता ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था, साथ ही दो अश्लील वीडियो का जिक्र भी किया था। विधानसभा चुनाव में भी यह मामला जोरों शोरों से उछाला गया। महिला का आरोप है कि जैन और उसके साथी राम स्वरूप आचार्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत की। महिला की शिकायत पर मेवाराम जैन और आरपीएस आनंद सिंह राजपुरोहित समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया था और पीड़िता के बयान भी दर्ज किए थे। मेवाराम जैन ने इस मामले में कोर्ट की शरण ली थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए 25 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। जाँच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीडी न्यूज़।